भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। पर करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी मोबाइल नंबर 7000429620 7996858886। बालाघाट में रविवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, इससे विजिबिलिटी खत्म सी नजर आई और बादल भी छाए रहे। साथ ही तापमान में भारी गिरावट भी देखी गई। बैहर और मलाजखंड में पारा सबसे कम रहा, यहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया जो कि सामान्य से 8 डिग्री कम है। जिले के सभी इलाकों में पहली बार तापमान 15 डिग्री से नीचे आ गया है। अति शीतलहर की चपेट में आने से बालाघाट शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों की दिनचर्या बदल सी गई है। मौसम विभाग ने फिलहाल पूरे प्रदेश में ठंड का जोर बने रहने की संभावना जताई है। 24 घंटों के दौरान तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अधिकांश इलाकों में रात का तापमान 7 डिग्री कम या इसके आसपास भी बना रह सकता है। शुष्क और सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार को शहर में सुबह के 10 बजे तक घने कोहरे का असर देखने मिला। चारों ओर धुंध छाई रही और 50 मीटर दूरी पर खड़े व्यक्ति को पहचान पाना संभव नहीं था। कुछ इस तरह से बालाघाट जिले में बीते 3 दिनों से लगातार ठंड का असर बना हुआ है। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना की थर्ड वेव से फिलहाल कहीं पर भी कोई गंभीर मरीज सामने नहीं आए, लेकिन एक दिन में 22 केस नए आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों पर नज़र रखी जा रही है, इसके बावजूद संक्रमण का दायरा कम होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जिले में बीते दिनों एक साथ 22 संक्रमित मिलने से कुल मरीजों का आंकड़ा 68 पर पहुँच चुका है। जिन 22 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनमें पीपरटोला से 1, बगदरा से 2, लिंगा से 1, भानपुर से 1, बालाघाट के देवटोला से 1, वार्ड नंबर 22 से 1, वार्ड नंबर 16 से 1, बिरसा तहसील के पलहेरा से 1, मलाजखंड से 2, कटंगी तहसील के बोनकट्टा से 2, वारा सिवनी के अंसेरा से 1, लालबर्रा के अंतर्गत धापेवाड़ा से 2, लांझी से 1, परसवाड़ा के भीड़ी से 1, किरनापुर के अंतर्गत रजेगांव से 3, पीपरटोला से 1 मरीज शामिल है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 13 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं सभी कोरोना मरीजों का उपचार होम आइसोलेशन में ही चल रहा है। दक्षिण बैहर के कोंगेवानी में जय बड़ादेव स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कोंगेवानी और हर्रानाला के मध्य खेला गया, जिसमें कोंगेवानी ने शानदार जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमाया। समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजय सिंह उइके और बैहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष बिसेन सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि पहली बार कोंगेवानी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की टीमों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन कमेटी के लिए खुशी की बात है कि सफलतापूर्वक इसका समापन हुआ। उन्होंने बताया कि एक समय था जब क्रिकेट की हर जानकारी को लोग रेडियो के माध्यम से सुना करते थे। उस समय में क्रिकेट का खेल भी 4 दिनों तक चलता था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया है। क्रिकेट का फॉर्मेट भी बदला और इसका लाइव प्रसारण भी अब लोग गांव में देखने लगे हैं। बड़ा सफलतापूर्वक 13 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। पहले वर्ष ही इस आयोजन में 13 टीमों का हिस्सा लेना और सफलतापूर्वक इस टूर्नामेंट को आयोजित करते हुए फाइनल तक पहुंचाना यह आयोजन समिति के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है और बधाई की बात है कि आपने इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छी तरह से सफल बनाया। क्रिकेट जब हम बचपन में खेला करते थे तो क्रिकेट बहुत प्लेन होता था। उस समय वनडे नहीं आया था, 50-50 ओवरों का क्रिकेट नहीं आया था।
टेस्ट मैच हुआ करते थे और उस समय आंखों देखा हाल हम क्रिकेट को देख नहीं पाते थे। ट्रांजिस्टर हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था और क्रिकेट का प्रसारण रेडियो के माध्यम से सब देखते थे। गांव के बुजुर्ग हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन आजकल गांव गांव में सीधा प्रसारण किया, हम सीधा क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट का फॉर्मेट बदला है। 50 ओवरों का हुआ 20-20 आया और गांव में तो अब 10 और 15 ओवरों का भी मैच हो रहा है। जब हम बचपन में खेलते थे गांव में तो लॉन टेनिस, अभी तो लॉन टेनिस में खेलते हो, हम लोग तो टेबल टेनिस के बाद में खेला करते हैं।